अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे महादेव, आप ही बचाइए हमारे सुहाग को, आप ही जीत की रक्षा कीजिए, मदद करिए हमारी। कैसे हो गया ये पक्का कैसे गिर गया? ये आवाज तो जीत के कमरे से आई थी ना। जीत, गोपाला जीत? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, अब देखिए गोपाला की सच्चाई खुद अपने आंखों से देखिए। गोपाला, गोपाला दरवाजा खोलो। अच्छू अच्छू लगता सब सब आ गए, अब हम क्या करें? हम बोन रखते हैं, पहले हमें सब कुछ संभालना होगा, बाद में बात करते। दरवाजा खोलो जी। देखिए तो दरवाजा नहीं खोल रही है। अरे कोई दरवाजा तोड़ दो ना। दरवाजा खोलो जी, दरवाजा खोलो। हाय हाय, गोपाला, गोपाला तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी कमरे से आवाजें आ रही थी। जीत, 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 देखिए ना हमने जीत को कहा। जीत, 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 ये पंखा कैसे गिरा? अरे हमसे मेरा पता, ये पंखा उठा 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 सुकाय सुकाय उठाए उठाए। सुकान, सुकान, पानी लेकर जल्दी से। जीत का, जीत। पता नहीं बाजी, वो पंखा कार से नीचे गिर गया और सही समय पे मैंने इन्हें खींच लिया। अगर अगर कुछ हो जाता ना, अगर हम सही समय पे नहीं आते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। वो तो सुकर है भोले बाबा। झूठ, झूठ बोल रही है ये, एक नंबर की झूठी है। इस किसकी बातों पे ना आप लोग भरोसा मत कीजिए। सच में गोपाला तुम बहुत बहादुर हो, खुश रहो बेटा। जी, जी तुम ठीक हो ना? जी तुम, धन्यवाद महादेव, जीत को होश आ गया। जीत ठीक हो ना तुम? आज तुम बच गए जीत, पर ज्यादा दिन तक नहीं। वो कहेगी तुम्हें मार के ही हमारा मकसद पूरा होगा। तुम्हारा साया भी जीत की जान के लिए खतरा है। मुसीबत ये है कि घर वालों का भरोसा तुम पे बढ़ता जा रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना इससे पहले देर हो जाएगी। आपके इस पुराण में संसार की हर समस्या का निवारण है भोलेनाथ। हमका पूरा भरोसा है कि आप जरूर कोनो चमत्कार करेंगे और हमरी कृष्णा को हमरे पास वापस ले आएंगे। अब सब आपके हाथ में है, कृपा कीजिए। नागेंद्र हाराए त्रिलोचनाए भस्मांग रागाए महेश्वराए नित्याय शुद्धाए दिगंबराए तस्मे न कराए नमः शिवाय। इस मंत्र से तो महादेव मन की हर इच्छा पूरी करते हैं। हमें भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन गोपाला जैसी मुसीबत जीत के गले पड़ी है ना, वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, तो क्या करें हम? मंत्र का जाप हम कैलाश पर्वत जाके महादेव के चरणों में करें तो हमारे मन की इच्छा जरूर पूरी होगी।
हमें ये करना होगा। अगर हमारे मन की इच्छा, हमारी परेशानी कहीं दूर हो सकती है तो सिर्फ वहीं महादेव के चरणों में, कैलाश पर्वत पर। धन्यवाद, धन्यवाद बाबा विश्वनाथ जी, हम आपके पास जरूर आएंगे और आपसे मिलकर अपने सारे दुख, सारी परेशानियां कहेंगे। हर हर महादेव। जीत, सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? आ जा, नाश्ता करने बैठ। नहीं दादी, हमारा मन नहीं है, अखाड़े जा रहे हो, वहीं कुछ खा लेंगे। अखाड़े? अखाड़े जाने की क्या जरूरत है? कल तक तो तू बीमार पड़ा था, अब तुझे दाव पेच की सूझ रही है। दो चार दिन आराम कर ले बेटा। सही तो कह रही है माँ, पहले ही तबीयत के ऐसे हाल हो रखे हैं, फिर तू अखाड़े में जाके मैच खेलेगा, कहीं लग गई, कुछ टूट फूट गया तो और दिक्कत हो जाएगी ना बेटा। माँ, अखाड़े जाएंगे तो हमारा मन लगा रहेगा, यहाँ घर में बैठ के क्या ही करेंगे हम। जीत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब रजो, अरे तुम्हारा तो आज बहुत बड़ा मैच है ना महावीर के साथ। जी बाबूजी। आज जीत का मैच है? जीत, हम तुम्हें अखाड़े जाने से नहीं रोकेंगे, पर ये मैच वैच खेलने की कोई जरूरत ना है। मैच फिक्स हो गया, लोग भी आने शुरू हो गए हैं, तो कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। अब बस हमें आशीर्वाद दीजिए, हम निकलते हैं। जीत, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हम इनके साथ जाएंगे तो इनका अच्छी तरह से ध्यान भी रख पाएंगे और तुम्हारा हौसला भी बढ़ाएंगे। ठीक है गोपाला, तुम चली जाओ जीत के साथ में और अच्छे से इसका ध्यान रखना। जी माँ जी। उसकी चिंता आप मत कीजिए मम्मी जी, इतने अच्छे से ध्यान रखेंगे इसका कि आज ये नहीं, इसकी मृत शरीर घर वापस आएगी। चले जीत। हाँ चलते। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। दर्शन पाकर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, वैसे ही एक बार और हमें अपना दर्श दिखाइए, हमारे कष्टों का निवारण कीजिए, उनको हरिए, हमारी पीड़ा समझिए महादेव, हमारे सामने आइए महादेव, प्रकट होइए। अब हम बताएंगे कि तुम्हें आगे क्या करना है, ध्यान से सुनो। हमें महादेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ तो करना होगा।
पिछले 5 साल से धोबी बछाड़ खाता आ रहा है तू इस जीत से। देख मुझे मालूम है कि तू बलशाली है, लेकिन इस जीत के दाव पेच के सामने ना तेरी ना चलने वाली। इसलिए मैं इंजेक्शन पे साथ लेकर आया। इसको लेते ही ना तेरा पावर और बढ़ जाएगा और तू किसी सांड को भी हरा सकता है। और बाकी बात रही तेरे बच्चे पैसे की, वो तुझे मिल जाएगी। लेकिन मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ तो? उसकी चिंता मत कर, उसका इंतजाम मैंने कर लिया। तू बस अपना काम कर। मैं वो इंजेक्शन साथ में लेकर आ गया, बस एक बार वो महावीर से लेने के लिए मान जाए फिर इस जीत का काम तमाम। दोस्तों, जिस मुकाबले का इंतजार आप सभी को था वह अब जल्दी शुरू होने वाला है। हर बार की तरह फिर इस बार आमने सामने हैं जीत पहलवान और महावीर पहलवान। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि महावीर पहलवान अपनी चौथी हार का बदला ले पाते हैं या फिर जीत पहलवान अपनी चौथी जीत को पांचवी जीत में बदल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस महामुकाबले को हम शुरू करते हैं। तो हम पहले बुलाते हैं महावीर पहलवान को। अब बुलाते हैं दोस्तों जीत पहलवान को। जीत, 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 जीत। तो दोस्तों, अब शुरू होने वाला है दोनों पहलवानों के बीच में महामुकाबला। बेचारे को नहीं पता कि ये लड़ाई इसकी आखिरी लड़ाई होने वाली है। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। हमारी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई, तभी तो आपने हमें दर्शन नहीं दिए महादेव। कोई बात नहीं, हर हर महादेव। अब देखना यह है कि अब ये धीरे धीरे करके उठ रहे हैं और ये हिम्मत करके फिर से उठ के खड़े हो चुके हैं। ये क्या हो रहा है? जो वो इंजेक्शन काम का ही नहीं कर रहा है। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो। अभी तो इंजेक्शन दिया है, उसको टाइम लगेगा काम करने में। जीतेगा जीतेगा, अपना महावीर ही जीतेगा।
आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। आप महादेव के वाहन हैं। नंदी महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, अभी देखिए कैसे हम आपका ही ये कष्ट चुटकियों में दूर कर देंगे। हम कोशिश करते हैं। ये क्या, यहाँ आने से पहले तक तो हम कुछ नहीं छुपा रहे थे, फिर अचानक ये चमत्कार कैसे हुआ? मैच खत्म होने की बात ये काम करेगा का है? तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इंजेक्शन काम क्यों नहीं कर रहा। क्या करें हम? तुम रहने दो, तुमसे कुछ ना होगा। जो करेंगे हम करेंगे। जीतिया हमें तुम पर बहुत गर्व है। कृष्णा के कोमा में जाने के बाद तुम बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे थे। अब तुम्हें देखो, कौन कहेगा कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? तुम एक पहलवान की तरह यहाँ खड़े हो, लड़ रहे हो। सच में देखना जीत, तुम्हारी मेहनत ना रंग लाएगी। तुम ही जीतोगे क्योंकि तुमने दिखा दिया कि असली चैंपियन कौन होता है। जाओ जीत, दिखा दो सबको असली चैंपियन कौन है। तुम्हें जीतते देख के ना कृष्णा भी बहुत खुश हो जाएगी जी। आज कृष्णा की जो हालत है, हम जिम्मेदार हैं उसके। कृष्णा तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? जी तुम चलो यहाँ से। जाओ यहाँ से, दोबारा कहीं नहीं जाएंगे। जाओ यहाँ से। हो गया हमारा काम, अब महावीर करेगा जीत का काम तमाम। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, देखा हमारा कमाल कैसे कैसे महावीर जीत को धूल चटा रहा है। गोपाला तू तो वैसे भी बेस्ट है, कमाल कर दिया, आएगा मजा। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ? माँ, अखाड़े से फोन आया था, बोल रहे हैं कि जीत की हालत ठीक नहीं है। आधे मैच के बाद
पता नहीं उसे क्या हो गया, कोई भी दांव ठीक से नहीं लगा पा रहा है। उसकी तो तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, वो सदमे में भी है तो अच्छे से कैसे मैच खेल सकता है। जीत का मैच महावीर के साथ था, फिर वो महावीर से कैसे हार सकता है। एक काम करते हैं ना माँ, हम लोग भी अखाड़े चलते हैं ना, हमें देख के शायद थोड़ा उत्साह आ जाए उसके में। हाँ चलो चलो। जल्दी ही तुम्हारा जीत तुम्हारे साथ स्वर्ग में होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जीत हार नहीं सकता। हमें जल्द से जल्द जीत के पास जाना होगा ताकि हम गोपाला से अपने जीत को बचा सकें।